वंस अगेन वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो आज हम क्रिस्टल कार आ चुके हैं और आपको हम दिखाने जा रहे हैं आज अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक। तो ये अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक है जिसके हमने S11 में कन्वर्ट किया है। तो इसके अंदर जो बेसिक नीड होती है S11 कन्वर्ट की वो हमने सारा किया है। तो ये अपनी गाड़ी का एक ओवरऑल लुक है बाहर से, बाकी हम फ्रंट से आपको कवर कराते हैं गाड़ी में क्या क्या इंस्टॉल हुआ है। तो ये अपना फ्रंट से आप देख सकते हैं। तो जो अपनी क्लासिक होती है उसमें ये क्रोम फिनिश नहीं होता, ये मैट फिनिश होता है, ये हमने क्रोम में फिनिश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं आपको टॉप वेरिएंट की अपनी हेडलाइट दिख रही होगी प्रॉपर। इसके अंदर हमें LED अपग्रेड नहीं की हुई है और नीचे आप देख सकते हैं ये मिसिंग रहती है अपनी क्लासिक में, ये दोनों चीज़ आ चुकी है DRL और फोक लाइट। और नीचे स्किड भी अपनी सिल्वर हो चुकी है और पेंटेड पार्ट भी अपना ही है। ये अपना फ्रंट प्रोफाइल है, एक बार आपको देख सकते हैं ओवरऑल लुक पीछे से। तो जैसे हम फ्रंट प्रोफाइल कवर करा के अब जैसे साइड प्रोफाइल है अपनी, तो इसके अंदर जो मेजर काम होता है आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रफ रहती है, जो अपना नीचे का पार्ट होता है ये प्रॉपर ही रफ रहता है। ये अपने बॉडी पेंट कर चुके हैं आप देख सकते हैं, अलॉय व्हील भैया लगवा के आए थे। नीचे फुटरेस्ट भी नहीं मिसिंग होता है अपना, रूफ रेल भी मिसिंग होती है। तो इसमें हमने महिंद्रा जेन्युइन कोनी टू कोनी वाला फुटरेस्ट भी अपने इंस्टॉल कर दी है और इधर अपना रूफ रेल भी इंस्टॉल हो चुकी है। अभी देख सकते हैं मिरर चेंज हो चुके हैं, ये अपने मिरर लग चुके हैं, आगे से अपना कंट्रोलर भी लग चुका है जिससे हम इसको दोनों मिरर को ऑटोमेटिक मैनुअली यूज़ कर सकते हैं। बाकी अपना डोर हैंडल भी बॉडी पेंट में हो जाता है लेकिन वो मिसिंग है। और साइड प्रोफाइल में आप देख सकते हैं ये अपना रेन वाइजर है, ये प्रॉपर इसमें इंस्टॉल हो चुका है, ये क्रोम फिनिश वाला। अब आपको हम रेयर में लेके चलते हैं, रेयर में आप देख सकते हैं पीछे स्पॉलर भी मिसिंग रहता है, वो भी अपना इंस्टॉल हो चुका है बोल्ट फिटिंग का। इधर एक अपने पिलर लाइट भी इसमें ऐड हो चुकी है, नीचे रिफ्लेक्टर सेम रह चुका है, नीचे बम्पर गार्ड आ चुका है देख सकते हैं, प्रॉपर स्टेनलेस स्टील स्कॉर्पियो की बैजिंग के साथ। और आपको एक देख सकते हैं इधर एक कैमरा भी अपना इंस्टॉल हो चुका है, गार्ड भी लग चुका है प्रॉपर। ये फिटमेंट देख सकते हैं बोल्ट फिटिंग है इसमें भी, ये बहुत हैवी है, आप इस पर खड़े भी हो जाएंगे 2-3 बंदे तब भी इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। आप ये देख सकते हैं पीछे जो गत्ता है उसमें हमने स्पीकर इसमें ओवर लगा चुके हैं। बाकी अपने एक टेल लाइट का ऑप्शन भी आता है जो पुरानी वाली 11 में होती है लंबी वाली, वो भी लग सकती है लेकिन भैया ने ऐड ऑन कराया नहीं उसमें। आप पीछे देख सकते हैं अपनी फ्लोरिंग नीचे हो चुकी है, इसके ऊपर अपना 70 मैट आ चुके हैं देख सकते हैं आप। और बाकी अपना सीट कवर भी हम लगा चुके हैं, इसको एक बार आपको आगे का लुक दिखा सकते हैं, पीछे वाला लुक है आगे एक बार अंदर से देख सकते हैं गाड़ी इतनी प्रीमियम लगते हुए। क्लासिक को ऐसे बनवाने का सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो अट्रैक्शन होता है कैसे बनती है वो अपने डोर पैनल से ही अपनी जो कोई भी क्लासिक वो S11 तभी कन्वर्ट होती है जब डोर पैनल हो अपने। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर महिंद्रा जेन्युइन डोर पैनल है, ये आप देख सकते हैं इधर प्रॉपर फिटमेंट है अपने, यहीं से मैनुअली कंट्रोल है सारे, वर्किंग मिलेंगे आपको प्रॉपर। इसमें अपनी सेंट्रल लॉकिंग भी हो रखी है जो भी कराई है। बाकी आपको अंदर लेके चलते हैं, नीचे फ्लोरिंग और मैटिंग तो दिखा सकते हैं, आप फिटमेंट दे सकते हैं एक बार दोनों की। और इससे शानदार आप देख सकते हैं स्टेयरिंग अपना स्टेच हो चुका है डुअल टोन में, आप इसमें थ्रेड भी देख सकते हैं बिल्कुल शार्प थ्रेड है। बाकी जो अपने बटन है वो भी इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। बाकी इसमें ऑप्शन आता है इसको हम पियानो ब्लैक करा सकते हैं। बाकी अपने इसमें एंड्रॉइड सिस्टम लग चुका है देख सकते हैं आप, ऊपर हमने सनग्लास होल्डर मिसिंग है वो भी आप एड ऑन करा सकते हैं। बाकी नीचे स्पीकर और अपना ट्यूटर शायद ये देख सकते हैं आप, इसे ये भी इंक्लूड हो चुके हैं। बाकी आपको एक चीज़ और दिखाते हैं मैडम, ये है अपना सीट कवर, ये अपना कस्टमाइज है खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ये अपना खुद का कस्टमाइज सीट कवर है। आपको जो भी कलर टोन आपको जो भी सूटेबल लगे वो आप करवा सकते हैं देख सकते हैं, प्रॉपर वर्किंग है। आप इसकी एक बार फिटमेंट चेक कर सकते हैं प्रॉपर, आपको एक भी जगह आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपकी सीट कवर ऐसा बल्की हो रही है, कहीं से सिलबटे आ रही है, वो आपको नहीं मिलेगा। प्लस इसमें हमने आर्म रेस्ट इंस्टॉल कर चुके हैं देख सकते हैं, ये भी प्रॉपर झूल नहीं रहा बिल्कुल, मतलब जो जेन्युइन होता है वैसा ही है S11 की तरह। तो गाड़ी का ओवरऑल ये है और जो भी ने करवाया है काम एक बार उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा लगा क्रिस्टल कार का है। तो ओनर सर हमारे साथ आ चुके हैं, एक बार उनसे जानते हैं उनका नाम क्या है। ठाकुर मणिपाल सिंह। तो आप आए कहाँ से थे? वृंदावन मथुरा से आए। तो भैया जी आपको पता कैसे चला था क्रिस्टल कार के बारे में? भैया हम तो अचानक ही आए ना जी। अच्छा आपको कोई आइडिया नहीं था क्रिस्टल कार का? ये मालूम था कि करोल बाग में गाड़ी सही वो होती है। तो मतलब करोल बाग में तो इतनी सारी दुकानें हैं, आपको क्रिस्टल कार कैसे समझ आ गई? मतलब सुबह सुबह आए तो यही दुकान खुली मिली तो मीडिया आएगी फिर बातचीत में ये बात बन गई। तो संतुष्ट हुए थे बातचीत में जो उन्होंने बताया और काम अभी आपको मिला? संतुष्ट ही जब यहाँ आंटिया भैया काम कराया। और जो आपने अभी काम मिला जो महिंद्रा जेन्युइन का आपको जो भी एक्सेसरीज बताई और जो आफ्टर मार्केट बताया वो आपको वैसे ही मिला? भैया भाई तो वैसे ही बताया मिले हुआ। तो बाकी आपने सीट कवर और लाइट वाइट आपने सब कुछ चेक किया होगा? तो आपको कैसे रिजल्ट मिला जो आप गाड़ी लेके आए थे और अब गाड़ी तैयार है? चला के जब चल रहे भैया एक फिर भी होता है ना अंदाजा होता है तैयार होने के बाद गाड़ी का ठीक है, वैसे जब चलाएंगे जब चल पड़ेगी हमको हलाहली तो ना।
ठीक, तो आगे भी लोगों का, अब तो आपने क्रिस्टल कार पे देखा अपना काम होते हुए, तो आगे भी आपके कोई जानकार होगा उसे भेजेंगे क्रिस्टल कार पे? बिल्कुल भेजेंगे, जब काम संतुष्टि मिलेगी तो बिल्कुल भेजेंगे। शुक्रिया भैया जी।